भाई आप सबको लग रहा होगा कि अचानक से हमारी जो जर्नी चल रही थी वो रुक क्यों गई है। जी हाँ, आवर जर्नी। तो उसका कारण बताता हूँ। अचानक से मैंने प्रिंस ऑफ पर्सिया चालू कर दिया तो मैं उसको डालना ही भूल गया। बस उसे ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचेंगे। सोच रहा हूँ 2-3 एपिसोड्स में ख़त्म करूँ। तो भाई सोच रहा हूँ अब आवर जर्नी चालू करते हैं अपना एपिसोड्स। प्रिंस ऑफ पर्सिया ख़त्म होगा तब। सडनली रुक गई प्रिंस ऑफ पर्सिया के चलते। और अचानक से प्रिंस ऑफ पर्सिया मैं डालने लगा इसीलिए रुक गई थी भाई। नहीं डाल पाया मैं आवर जर्नी। अब डालूँगा आवर जर्नी। जैसे ये इसकी बस 3 चैप्टर और बची हैं प्रिंस ऑफ पर्सिया के, उसके बाद तो ये ख़त्म होगा। उसके बाद आवर जर्नी एपिसोड्स ही आएंगे। मैं बोल रहा था छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जैसे वो अनाउंसमेंट वीडियो थी वैसे ये भी अनाउंसमेंट ही वीडियो है। तो वहीं बोल रहा था कि मैं वापस से चालू करूँगा 3-4 एपिसोड्स, 3-4 एपिसोड्स और उसके बाद मैं अपना आवर जर्नी एपिसोड्स बंद कर देंगे भाई। उसके बाद नो मोर भाई, और कुछ नहीं, बस काफ़ी रहेगा आई थिंक। हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ बना दिया उन्होंने अपने WWE परफॉर्मेंस सेंटर में। आवर जर्नी एपिसोड ज़रूर आएंगे जब प्रिंस ऑफ पर्सिया सीरीज़ ख़त्म होगी तब। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को ज़रूर करना सब्सक्राइब। भाई छोटी सी वीडियो बनाई थी अनाउंसमेंट के लिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों रुक गई है। भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, और मिलते हैं आवर जर्नी एपिसोड 16 में भाई। ए, टोनी कसला था।